यूपी के वाराणसी में इन दिनों गंगा कहर बरपा रही है। सालों बाद ऐसा मौका है जब पांचवीं बार गंगा उफान पर आई है। गंगा के उफान के कारण 80 से लेकर नमो घाट तक सब कुछ जलमग्न है। घाटों के जलमग्न होने के कारण धार्मिक अनुष्ठानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। गंगा स्नान, दैनिक पूजा पाठ, गंगा आरती और महाशमशान घाट पर शौराह भी इससे सीधे प्रभावित हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शनिवार की सुबह गंगा का जल स्तर 68.30 मीटर दर्ज किया गया। राहत की बात यह है कि 3 दिन के बढ़ाव के बाद शनिवार को गंगा का जल स्तर स्थिर है। इसके पहले बुधवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी था, जो गुरुवार को 3 सेंटीमीटर और शुक्रवार को 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गया। बता दें कि वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से महज 2 मीटर दूर है। गंगा के विकराल रूप के कारण 60 से ज़्यादा घाट पूरी तरह गंगा के जल में डूब गए हैं, जबकि 24 घाटों पर महज कुछ सीढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ गंगा के जल में समा चुका है। मंदिर, चेंजिंग रूम, पत्थर की कुर्सियां सब कुछ डूब गए हैं। उधर गंगा के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार जल पेट्रोलिंग कर रही है। वाराणसी में करीब 1 महीने से गंगा आरती का आयोजन भी छत पर किया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति की आरती पूरे विधि विधान से सीमित श्रद्धालुओं के बीच की जा रही है। बनारस में ऐसे बनारस में पूरा 84 घाट जो कि सारे घाट का कनेक्शन जो एक संपर्क जो सारा टूटा हुआ है। अच्छा, जो पर्यटक आ रहे हैं वो गंगा में कैसे अभी घूम सकते हैं, बोट के द्वारा या बंद है क्या स्थिति? अभी गंगा में इतना काफी जल स्तर है, जो हम लोगों की नॉर्मल बोटे हैं, मोटर बोटे, बेड़ा है, ये सब पूर्ण रूप से इसका संचालन बंद है। तो क्रूज इस टाइम जो कि श्री विश्वनाथम, अलकनंदा, इन लोगों से संचालन किया जा रहा है लोगों का, लेकिन तब भी पर्यटन खुश नहीं है क्योंकि उन लोगों को चाहिए देसी स्टाइल की बोट। अच्छा।